दसवां पाठ जो 10th लेसन है हमारा वह है विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व का अर्थ होता है विश्व बंधुता। इस पाठ में भाईचारे का उपदेश दिया गया है। पाठ का सार इस प्रकार है, उत्सव में, व्यक्तिगत संकट में, अकाल पड़ने पर, देश पर आपदा आने पर और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह मित्र होता है। यदि संसार में सब जगह ऐसा भाव आ जाए तो विश्व बंधुता संभव है। दुख की बात है कि समूचे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं, वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते हैं। समर्थ देश और समर्थ देशों के प्रति अनादर की भावना प्रदर्शित करते हैं और उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसार में सब जगह शत्रुता, वैर और हिंसा की भावना दिखाई पड़ती है। देशों का विकास भी बाधित होता है। यह महान आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ शुद्ध हृदय से बंधुता का व्यवहार करें, भाईचारे का व्यवहार करें। संसार के मनुष्यों में यह भावना आवश्यक है। इसके द्वारा विकसित अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग के द्वारा समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप में फैलता है। प्रकृति भी सभी के साथ समान व्यवहार करती है। इसलिए हम सबको आपसी शत्रुता के भाव को छोड़कर संसार में भाईचारा स्थापित करना चाहिए। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। यह अपना है अथवा पराया है, ऐसी सोच संकीर्ण मन वालों की होती है। उदार मन वालों के लिए संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होती है। अब इसका डिटेल हम लोग देखेंगे यहाँ से पाठ विवरण। बंधु, बंधु का अर्थ है संबंधी, बांधवा, रिलेटिव, जैसे भ्राता ब्रदर हो गया, पितृव्य अंकल हो गए, मातुला अंकल हो गए, मामा जिसको बोलते हैं, अनुजा यंगर सिस्टर हो गई, ये सब बंधुजना, इन्हें हम बंधु बोलते हैं। यह सर्वदा सहायम करोति सह अपि बंधु, जो हमेशा हमारी सहायता करते हैं वे भी बंधु कहलाते हैं, भाई कहलाते हैं। बंधु किम करोति, जो बंधु होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, वे क्या करते हैं? बंधु सहायम करोति, बंधु क्या करते हैं, मित्र क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे पाठ को। कहता है उत्सवे व्यसने दुर्विक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायताम करोति सह बंधु भवति। उत्सवे यानी उत्सव पर, व्यसने यानी व्यक्तिगत संकट संकट में, दुर्विक्षे यानी अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे यानी देश पर आपदा आने पर, और दैनंदिन व्यवहारे और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है सह बंधु भवति, वह मित्र होता है। यदि संसार में सब जगह ऐसा भाव हो जाए तब भाईचारा संभव है। उत्सवे का मतलब है
आनंदस्य अवसरे, आनंद का जब अवसर होता है, जब खुशी का अवसर होता है, उत्सव आनंदस्य अवसर कदा भवति, जैसे मान लीजिए किसी का जन्मदिन है, विवाह है या कोई फेस्टिवल है, इस तरह कहता है एतादृश संदर्भे यह सहयोगम करोति स बंधु भवति, जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं वह या वे बंधु भाई कहलाते हैं। व्यसने, व्यसने का मतलब होता है दुखे, यानी आपत्काले, ड्यूरिंग बैड टाइम्स, व्यसने दुख की घड़ी में यानी खराब समय में, शारीरिकानी कष्टानी, चाहे वह फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, व्याधिया यानी डिजीजेज हो, कोई बीमारी हो जाए, वेदना पेन, ऋणम दुर्घटना, अंग वैकल्यम डिसेबिलिटी, इस तरह से हमारे ऊपर जब पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, जब हमारी व्यक्तिगत समस्याएं होती है, या कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं देख सकते हैं आप, तो यानी दुख की घड़ी में, व्यसने दुख की घड़ी में, एतादृशीषु अवस्थासु यह सहायताम करोति सहपि बंधु भवति, इस तरह की सिचुएशन में जो हमारी सहायता करते हैं वे भी क्या होते हैं, बंधु होते हैं, हमारे भाई होते हैं। दुर्भिक्षे का मतलब है प्राकृतिक आपदायाम, जब कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे यहाँ देखिए बाढ़ आ गई, या यहाँ पिक्चर में दिया गया है, या राइट साइड बाढ़ आ गई, इस तरह की सिचुएशन को हम लोग प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, उसी को संस्कृत में दुर्भिक्षे बोलते हैं। यथा जैसे अतिवृष्टि, एक्सेसिव रेन, अनावृष्टि या सूखा पड़ जाना, वा यदा भवति तदा भोजनस्य अभावा भवति, इस तरह की सिचुएशन जब होती है तब क्या होता है, भोजन का अभाव होता है। सह काला दुर्भिक्ष काला इति कथ्यते, और उस तरह का जो सिचुएशन है उसको दुर्भिक्ष काल कहते हैं। एतादृशीषु अवस्थासु यह सहायताम करोति सापि बंधु भवति, इस तरह की सिचुएशन में जो हमारी सहायता करते हैं वे भी क्या, हमारे बंधु कहलाते हैं, भाई कहलाते हैं। राष्ट्र विप्लवे यानी राष्ट्रीय विप्लव यदा भवति तदा, यानी देश के ऊपर जब कोई समस्या आती है, विप्लव का मतलब है विद्रोह, युद्ध की स्थिति आती है, इस तरह का जब सिचुएशन होता है तो राष्ट्रे यदा एतादृशी स्थिति भवति तदा जनाः कष्टम अनुभवन्ति, राष्ट्र में जब ऐसी स्थिति आती है तो लोग कष्ट अनुभव करते हैं। तादृशे काले यह सहायताम करोति, ऐसी सिचुएशन में जो हमारी सहायता करता है, सह अपि बंधु भवति, वह भी हमारा भाई होता है। दैनंदिन व्यवहारे, दैनिक व्यवहारे, डेली के रूटीन में सहायताम सहायम, सहायम जो हमारी सहायता करता है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायताम करोति सह बंधु भवति, बंधु कह यानी भाई हमारा कौन कहलाएगा, जो उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायताम करोति सह बंधु, सर्वदा सुखे दुखे च यह समीपे तिष्ठति, जो सुख में और दुख में हमारे समीप रहता है, हमारी मदद करता है, हमारे साथ खड़ा होता है, वह हमारा बंधु कहलाता है। अब कहता है यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति, यदि संसार में सब जगह
ऐसा भाव हो जाए तब भाईचारा संभव है। कहता सर्वत्र यानी सर्वस्मिन स्थाने, एवरीवेयर हर जगह, भाव यानी इस तरह का विचार विचारा मानसिकता मेंटेलिटी, तब क्या कहलाता हुआ, विश्व बंधुत्वम यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सर्वे जना बंधव एव इति एतादृशी भावना, पूरे विश्व के लोग हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे संबंधी हैं, इस तरह की भावना जब सबके मन में हो जाती है तो क्या होता है, सब जगह भाईचारा संभव होता है। सर्वत्र यानी सर्वस्मिन स्थाने भाव विचार मेंटेलिटी विश्व बंधुत्वम विश्व सख्यम यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सर्वे जना बंधव एव इति एतादृशी भावना, कष्ट समये सहायता करणीया इति भावना एव बंधु भावना अस्ति। अब कहते हैं ऐसा बंधुत्व भावना सर्वत्र प्रसरतु, अन्यस्मै सहायं करणीयम्, अन्यस्य कष्ट निवारणम करणीयम्, दूसरे की सहायता करनी चाहिए, दूसरे के कष्ट का निवारण करना चाहिए, अन्येषां सुख दुखादिषु सहयोग करणीय, दूसरे के सुख और दुख में सहयोग करना चाहिए, इति भावना सर्वेषां मनसि अपेक्षिता, इस तरह की भावना सभी के मन में अपेक्षित है, तदा एव विश्व बंधुत्वम संभवति, तभी ही क्या होता है, विश्व बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना संभव है। कदा विश्व बंधुत्वम संभवति, कहता है कब विश्व बंधुत्वम संभव है, यदा विश्वे सर्वत्र बंधुता या भाव भवेत तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, जब पूरे विश्व में बंधुता की भावना हो, भाईचारे की भावना हो, तभी क्या संभव है, विश्व बंधुता संभव है। कहता है अधुना विश्व बंधुत्वम अस्ति वा, क्या आजकल विश्व बंधुत्व है क्या, अधुना परिस्थिति का अस्ति, अधुना अभी जो परिस्थिति है वह किस तरह की है, तो अब उसके बारे में कहा जा रहा है कि परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति, परंतु अब क्या है, समूचे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है, अभी पूरे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। अधुना यानी संप्रति, अद्यतन काले नाव, निखिले यानी संपूर्ण समग्र पूरे विश्व में, कलहस्य यानी युद्धस्य, किंतु संप्रति संपूर्ण विश्वे कलहस्य उद्विग्नतायाः एंजाइटी च वातावरणम वर्तते, अभी पूरे विश्व में कलह की चिंता की वातावरण, चिंता की का माहौल व्याप्त है, सर्वत्र दौर्जन्यम अस्ति, हर जगह एक दूसरे से दुश्मनी चल रही है, प्रतिस्पर्धाम कुर्वन्ती, हर जगह एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा चल रही है, कंपटीशन चल रही है, लघु लघु विषय अपि असहनाम इनटॉलरेंस प्रदर्शयन्ती, छोटी छोटी बातों में भी लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं लड़ते हैं, जनाः कोलाहलम कुर्वन्ति, लोग आपस में झगड़ते हैं, वाद विवादम कुर्वन्ति, एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, विवादात कलह भवति, और विवाद से एक दूसरे के बीच कलह झगड़ा होता है, कलहेन कोलाहलेन च मनसि उद्विग्ना जायते, कलह से झगड़ा से मन में जो है सबकी क्या होती है, उद्विग्नता होती है, तेन परस्परम वैर भावना उद्भवती,
और उससे क्या होता है, परस्पर वैर भावना यानी दुश्मनी की भावना सबके मन में आती है। अतः सर्वत्र अशांत ही वातावरणम अस्ति, इसलिए हर जगह क्या है, अशांति का वातावरण है। फिर कहता है अधुना निखिले संसारे कयो वातावरणम अस्ति, अभी पूरे विश्व में पूरे संसार में किस तरह का वातावरण है, तो आंसर है अशांति का वातावरण, कलह का वातावरण। मानवा परस्परम न विश्वसंति, मनुष्य जो है परस्पर विश्वास नहीं करते हैं। मानवा यानी मनुष्याः विश्वसंति विश्वासम कुर्वन्ति, विश्वास नहीं करते हैं। मानवाः अन्येषां मानवानाम उपरि विश्वासम न कुर्वन्ति, मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। एकः चिंतयति सः माम वंचयति इति, कोई सोचता है कि वह मुझे ठगता है। अन्यः चिंतयति एषः द्रोहं करोति, दूसरा सोचता है कि यह मुझे हानि पहुंचाएगा। कदाचित संकते सः चोरः स्यात्, कभी मन में भावना आती है कि सामने वाला जो है हो सकता है यह चोर हो। एवं परस्परम अविश्वासस्य कारणानि भवन्ति, और इस तरह परस्पर क्या होता है, अविश्वास की भावना मन में आती है। मानवा परस्परम किम न कुर्वन्ति, मनुष्य आपस में क्या नहीं करते हैं, तो मानवा परस्परम विश्वासम न करो कुर्वन्ति, मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम, ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते हैं, दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं समझते हैं। परस्य यानी अन्य जनस्य दूसरे लोगों का, कष्टम यानी दुखम, स्वकीयम कष्टम स्वस्य कष्टम अपना कष्ट, ऑन प्रॉब्लम अपनी समस्या न गणयन्ति, गणनाम न कुर्वन्ति, डू नॉट कंसीडर, वे लोग दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते हैं। अधुना मानवाः अन्य जनस्य दुःखं स्वस्य दुःखं इति न गणयन्ति, आजकल मनुष्य जो है अन्य के दुख को दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं समझते हैं। अन्यस्य दुःखं दृष्ट्वा सहानुभूतिं न कुर्वन्ति, दूसरे के दुख को देख करके दूसरे के कष्ट को देख करके सिंपैथी नहीं दिखाते हैं, सहानुभूति नहीं दिखाते हैं। निर्लक्ष्यम कुर्वन्ति सहायम न कुर्वन्ति, वे क्या करते हैं, उस चीज़ को निग्लेक्ट करते हैं और दूसरे की मदद नहीं करते हैं। मानवाः किम स्वयं कष्टम इति न गणयन्ति, मानव जो है वह अपने कष्ट को नहीं समझता है, तो यहाँ पर कहता है नहीं, मानवा परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम इति न गणयन्ति, मानव जो है दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते हैं, उसको नहीं कंसीडर करते हैं। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति, तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति, और भी समर्थ देश क्या करता है, असमर्थ देशों के प्रति अनादर की भावना प्रदर्शित करते हैं और उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। समर्थाः यानी शक्ति संपन्ना, कैपेबल, असमर्थान यानी शक्तिहीनान, इनकैपेबल, उपेक्षाभावम यानी अलक्ष्यभावम, डिजायर गार्ड, प्रभुत्वम, आधिपत्यम, प्रिवलेंस। विश्वे अनेके देशाः सन्ति, विश्व में अनेक देश हैं, तेषु केचन विकसिताः सन्ति संपन्नाः च सन्ति,
उनमें कुछ देश जो है वे विकसित हैं, डेवलप हैं और रिच हैं, धनी हैं। अन्य केचन अविकसिता संपत्ति रहिता, कुछ जो है अविकसित हैं, संपत्ति रहित हैं, दुर्बल हैं। जैसे कुछ शक्ति संपन्न देश हैं जैसे अमेरिका, चाइना इत्यादि देशाः शक्ति संपन्नाः सन्ति, प्रबलाः अपि सन्ति, एक शक्ति संपन्न है और मजबूत भी हैं। उसी तरह कुछ ऐसे देश हैं जैसे बर्मा, श्रीलंका, नेपाल इत्यादि असमर्थाः सन्ति, दुर्बलाः सन्ति। इस तरह के देश जो हैं असमर्थ हैं, गरीब हैं और दुर्बल भी हैं, बल की कमी है, इन देशों के पास संपन्नता नहीं है, शक्ति नहीं है। ऐसे में क्या होता है, शक्ति संपन्नाः देशाः असमर्थान देशान प्रति द्विविधम अत्याचारम कुर्वन्ति। जो शक्ति संपन्न देश हैं वह जो कमज़ोर देश है उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। उपेक्षा भाव प्रदर्शनम सोइंग डिसरिगार्ड, स्वकीय प्रभुत्व स्थापनम च डोमिनेंस, वो अपना डोमिनेट वाला नेचर दिखाते हैं, और जो कमज़ोर देश हैं उनकी उपेक्षा करते हैं। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयति, तेषाम उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। और भी जो समर्थ देश हैं वे असमर्थ देशों के प्रति अनादर की भावना प्रदर्शित करते हैं और उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। प्रबलाः देशाः दुर्बलानां देशानां आवश्यकतां कष्टं च न परिगणयन्ति, उपेक्षा कुर्वन्ति। जो प्रबल देश हैं, मजबूत देश हैं, शक्ति संपन्न देश हैं, वे क्या करते हैं, जो कमज़ोर देश हैं उनकी समस्याओं को कंसीडर नहीं करते, उनकी समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और उनकी उपेक्षा करते हैं। तेषाम उपरि स्वस्य अधिकारम स्थापयन्ति, उन देशों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। स्वस्य यथा लाभ भवति तथा प्रबल देशा व्यवहारम कुर्वन्ति, जिससे उसका अपना लाभ हो, अपना फायदा हो, ऐसा व्यवहार वे लोग कमज़ोर देश के साथ करते हैं। प्रबलः देशः यत् वदति तद् दुर्बल देश ही अंगीकर्तव्यं भवति, जो मजबूत देश है वह जो बोलता है उसको जो कमज़ोर देश है, जो शक्ति संपन्न नहीं है उसको, जो शक्ति संपन्न देश है उनकी बातों को माननी पड़ती है। समर्थाः देशाः कान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति, जो समर्थ देश हैं वह किस तरह के देश के प्रति उपेक्षा के भाव प्रदर्शित करते हैं। समर्थाः देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति, जो समर्थ देश हैं वे असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उपरि किम स्थापयन्ति, उसके ऊपर क्या स्थापित करते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। अब कहता है संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते, संसार में सब जगह शत्रुता की, वैर की और हिंसा की भावना दिखाई पड़ती है। संसारे यानी विश्व, इन द वर्ल्ड, विद्वेषस्य प्रतिशोध की भावना, शत्रुताया वैर की भावना, दुश्मनी की भावना, हिंसाया हिंसा की भावना, वायलेंस की भावना पूरे विश्व में दिखाई देती है। विश्वे सर्वस्मिन् स्थाने
प्रतिशोधस्य दुर्भावनायाः विध्वंसस्य च विचारः दृश्यते। विश्व में हर जगह बदले की भावना, दुर्भावना की भावना, विध्वंस की का विचार, इस तरह की भावना देखी जाती है। संसारे सर्वत्र का भावना दृश्यते, पूरे संसार में किस तरह की भावना दिखाई पड़ती है। तो कहता है संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। पूरे संसार में हर जगह विद्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई पड़ती है। देशानाम विकास अपि अवरुद्ध भवति, और इससे देश का विकास भी बाधित होता है।